जाने वाले लग रहा है। ये हमारा अपना सुखद सहयोग है, यहाँ की महापौर श्रीमती मालती भाभी, हमारी मालती राय जी, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और बधाई दो अर्थों में भी, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी को लेकर के, और अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री के लिए भी उतने जोरदार तालियां बजाएं। मोदी है तो हम सब ये नारा लगाते, सरकार बनाते बनाते लगातार 14 से हमने ऐसे सारे असंभव काम, जिन कामों को लेकर ऐसा लगता था कि पहले रेल मंत्री कोई रेल चला देते तो रेल मंत्री जिस राज्य से आते थे केवल वही एक या दो तीन ट्रेन चलती थी, बाद में आते पते नहीं लगते। सालों तक ये नाटक हमने देखा, 2004 से 14 तक, जब तक माननीय मोदी जी की सरकार नहीं बनी, कोई बंगाल से बन गया, कोई बिहार से बन गया, जो बन गया वो सारी रेल सुविधाएं रेल के डब्बे में भर के ले जाता था, ऐसा लगता वही डब्बा खोलेंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने रेल मंत्रालय के लिए कितने बदलाव किए। रेल का पहले अलग बजट चलता था, बाकी सरकार का बजट अलग, दोनों का बजट एक बना करके, जहां जनता की डिमांड है। आज हम तो और सौभाग्यशाली है, हमारे लिए तो अपना आनंद डबल हो गया कि आज रीवा के लिए हमारी अपनी रेल के लिए केवल अभी सरकार में अश्विनी वैष्णव जी को रेल मंत्री बने टाइम कितना हुआ है, लेकिन इतने कम टाइम में इतने प्रकार के प्रकल्प एक साथ खोल करके, आईटी के मंत्री होने का लाभ भी दे रहे हैं, रेल मंत्री होने का लाभ भी दे रहे हैं, और भोपाल तो और भाग्यशाली और विंध्य वाले डबल से, आप ही नहीं हो, मेरे को भी आनंद आ रहा, मेरी भी ससुराल रीवा है, चिंता मत करो। हम और आप सब मिलकर के एक ही सवारी गाड़ी के डिब्बे हैं, लेकिन मुझे भी इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के इस सौगात के लिए हम एक बार दिल से अभिनंदन करें उनका। और सरकार के माध्यम से आप सबको भी बताना चाहूंगा, रीवा के लिए न केवल एक रेल बल्कि दूसरी रेल, और उससे आगे चल करके इसी हवाई अड्डे से रीवा के लिए हवाई सुविधा भी प्रारंभ कर दी गई। रीवा के लिए एयरपोर्ट से आप अपने यहां से जाने के लिए इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो विंध्य के लिए सदैव के, ना केवल विंध्य बल्कि यहां से जबलपुर, सिंगरौली, रीवा, खजुराहो, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर। अरे बड़ा आश्चर्य लगता है, मैं जब ये रिपोर्ट ले रहा था एयर टैक्सी की तो हमको लगा कि उज्जैन भोपाल तो क्या चलेगी, लेकिन आजकल हवाई जहाज का इतना अच्छा लोगों को सफर लगता है कि उज्जैन भोपाल सर्वाधिक फुल चल रही है अपनी हवाई सेवा में, बड़ा आश्चर्य लग रहा है। और उससे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि इंदौर के एयरपोर्ट से उज्जैन के लिए भी सवारी मिल रही है, ये बड़ा आश्चर्य की बात, लेकिन वो भी फुल चल रही। हम इसी प्रकार की प्रत्येक कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं, आज तो खास करके विंध्य के लिए ये जो नई सौगात दे रहे हैं। मैं अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री का आभार मानता हूँ, माननीय रेल मंत्री का आभार मानता हूँ, भगवान दास जी आपका तो नाम ही भगवान है, और भगवान है तो सब संभव भी है, क्योंकि हमारी सरकार भगवान भरोसे तो नहीं है, हमारे अपने मोदी जी के भरोसे है। जोरदार तालियां मोदी जी के लिए बजा। हमने चुनावा जनप्रतिनिधि पहुंचाया और जनप्रतिनिधि ने अपनी बात